So how to become a gamer and a streamer? पहले तो एक minimum requirement to play competitive games and what to have to start with the games and download. कहां से करें? ये सारे मुद्दे पहले क्लोज किया जाए, फिर तो स्ट्रीमर बनेंगे। फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं भाई, स्पेक्स रिक्वायरमेंट। इफ यू टिपिकली लुकिंग फॉर अ गेमिंग ओनली, देन इट्स बेटर डोंट गो विद स्लिम गेमिंग। पहली बात, गो विद प्रो गेमिंग, मतलब लैपटॉप जिसमें थोड़ा सा थर्मल्स एंड टीजीपी जीपीयू का बेटर होना चाहिए। करेक्ट, लॉन्ग आवर गेमिंग को सपोर्ट करे, कम से कम i5-12450H सीपीयू तो हो ही, एंड RTX 3056 GB प्रेफर्ड रहेगा कम से कम। 4 GB वाला देखो यार चल जाता है, कुछ लोग खेल भी रहे हैं, बट आई विल प्रेफर कि भाई कम से कम आज के रेट में 6 GB वाला ही लो। कम से कम 120Hz रिफ्रेश रेट का तो होना ही चाहिए ना, बिकॉज अब ई स्पोर्ट्स गेम तो खेलोगे ही कॉम्पिटिशन में या स्ट्रीमिंग पर। तो HDMI 2.1 का सपोर्ट चेक कर लेना, या फिर सी पोर्ट विद डिस्प्ले 1.4 का सपोर्ट, एटलीस्ट 10 Mbps वाला सी पोर्ट, 3.2 Gen 2 वाला। आगे बताऊंगा वाई वी नीड Gen 2 3.2 वाला पोर्ट। सारे बेस्ट लैपटॉप्स और गेमिंग एंड स्ट्रीमिंग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो आप अगर प्लान कर रहे हो तो उसके साथ चेकआउट कर सकते हो, और उनका सबका मैंने रिव्यू भी कर रखा है अपने चैनल पर। अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आप वो वीडियोस को मिस ना करो। सब्र करो, बेस्ट गेम्स फॉर स्ट्रीमर्स पर भी चर्चा करेंगे, एंड मैं कैसे गेम खेलता हूं वो भी हम बताएंगे आगे। कम से कम 75W TGP तो देखो भाई होना ही चाहिए, 95 है तो बेटर है। एरो कीज थोड़े बेटर साइज के हो अगर अपने लैपटॉप पर तो भी यार चलो अच्छा रहता है। डिस्प्ले मिनिमम IPS एंटी ग्लेयर हो, तो अवॉइड ग्लेयर इशू व्हाइल स्ट्रीमिंग। स्ट्रीमिंग के वक्त में जब ग्लेयर होता है तो भाई सामने वाला कब शूट करके चला जाता है पता नहीं चलता है, इसलिए एंटी ग्लेयर हो तो बेटर है। 45% NTSC है तब भी चल जाएगा, नो वरीज। जब तक थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस हो जाएगा तब 100% sRGB वाला डिस्प्ले के बारे में सोचेंगे, सीरियसली बता रहा हूं। अगर यूज ही नहीं है तो क्या फायदा, एक वक्त था जब मुझे पता भी नहीं था तब भी वीडियो बनाता था। हाँ, जी सिंक मिल जाए तो एडिटिव एडवांटेज रहेगा, एंड यस 16 GB रैम इज मिनिमम, एटलीस्ट DDR4 हो तब भी चल जाएगा। मैक स्विच हो तो मजा आ जाएगा सीरियसली, बिकॉज DGPU में मैक्स परफॉर्मेंस में खेल पाओगे तब। आज के डेट में मैक्सिमम लैपटॉप मैक स्विच दे रहे हैं वैसे, मिनिमम वाईफाई 6 होना चाहिए फॉर कनेक्टिविटी, फॉर लैग फ्री गेमिंग, एंड जिसमें पिंग आपको कम मिलने को देखने को मिले। SSD कम से कम 512 GB तो होता ही है, चल जाता है। अगर स्टार्टिंग में 1 TB ले लो जिस लैपटॉप में है, तो एक्सटर्नल SSD लेने का थोड़ा टेंशन स्टार्टिंग में खत्म हो जाता है, क्योंकि 3-4 गेम भी स्टोरेज आपका फुल कर देता है अगर आप 512 GB वाले के साथ जाते हो। एंड 1080 पिक्सल का बेटर कैमरा लैपटॉप मिल जाए फिर यार ना एक्सटर्नल कैमरे का भी खर्चा कम हो जाता है, और 1080 पिक्सल काफी होता है आपके स्ट्रीमिंग के लिए। ये ध्यान रखना, हम मोबाइल स्ट्रीमिंग की बात नहीं कर रहे हैं, उसके लिए अलग से सेटअप करना पड़ता है, वो भी अपडेट करूंगा आगे, और या तो उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा अगर आप कहोगे तो। सो सेकंड स्टेप अपना है भैया, अगर आपने लैपटॉप या पीसी जो भी है डिसाइड कर लिया बेस्ड ऑन जो स्पेक्स बताया मैंने, एक्सेसरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपने एक एवरेज गेमिंग माउस यूज कर रहे हो तो आपका गेम प्ले डिफर कर सकता है। तो एक माउस विद मिनिमम 1000 पोलिंग रेट एंड 2 कस्टमाइजेबल बटन थोड़ा सा होना जरूरी है, जिससे आप एग्जैक्टली अपने एक्सपीरियंस को बेटर कर सकते हो। अब इसमें पहले वायर्ड वर्जन ही लो, स्टार्टिंग में ज्यादा पैसा क्यों ही लगाना। वैसे मैंने दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जो मैंने रिव्यू कर रखा और जो मैं यूज करता हूं अपने गेमिंग में। अब माउस कितना भी अच्छा हो, अगर माउस पैड अच्छा नहीं होगा तो काम वैसे भी खराब होना ही है ना। वैसे मैं तो बिना माउस पैड के भी हेडशॉट मार लेता हूँ, फिर जरूरत क्या है, मैं तो कॉपी यूज कर लेता हूँ। लेकिन भैया ड्रीमर गेमर बनना है तो थोड़ा तो इज्जत देना पड़ेगा ना अपने आप को एंड गेमिंग को। एंड मानो मेरी बात, माउस पैड इज नेसेसरी फॉर फुल कॉन्फिडेंस वाइल गेमिंग। मैंने कुछ रिव्यू कर रखे हैं बजट एंड ओवर बजट वाले, जिनको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। कीबोर्ड आपके मन के ऊपर है, स्टार्टिंग में लेना है कि नहीं वो आप सोचो। सही बताऊं, मन का मत सुनना, काम कीबोर्ड की जरूरत पड़ेगी, बताता हूं क्यों। क्योंकि भैया गेम के वक्त अगर किसी ने आपको पेल दिया तो भाई लैपटॉप के कीबोर्ड पर गुस्सा ना निकालो, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फॉर लॉन्ग आवर गेमिंग, इट्स बेटर टू हैव लैपटॉप स्टैंड और कूलिंग पैड फॉर बेटर थर्मल एंड लॉन्ग लास्टिंग विदाउट एनी इशू। पीसी की तरह 10 फैन तो लगा नहीं होता लैपटॉप में, फिर लैपटॉप स्टैंड पर होगा एंड कीबोर्ड चाहिए तो भाई लेना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे खेलोगे इस तरह से। आई विल सजेस्ट गो विद वायर्ड कीबोर्ड। वायरलेस लेना है तो 2.5 GHz वाला USB कनेक्शन वाला कीबोर्ड लो, बट आई विल गो विद वायर्ड वन, थोड़ा सस्ता और बेटर रहता है। मैं आज भी गेमिंग वायर्ड कीबोर्ड से ही करता हूँ, बिकॉज वायरलेस में खराब होने का और पैसा थोड़ा ज्यादा लगता है। लैपटॉप का कैमरा अगर अच्छा है फिर तो स्टार्टिंग में जरूरत ही नहीं पड़ता कि भैया आप कोई अलग से कैमरा एंड ऑल खरीदो। फिर भी अगर आप खरीदना चाहते हो एक एक्सटर्नल कैमरा, क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो 2.5K 2000-3000 के अराउंड में लॉजिटेक एंड क्रियो के काफी अच्छे वेबकैम देखने को मिलता है। करेक्ट, वैसे भी स्टार्टिंग में आप गेम कैसा खेलते हो, स्ट्रीमिंग कैसा करते हो, उस पर फर्क पड़ता है। चेहरा आपका कितना क्लियर दिखता है वो तो धीरे धीरे ही पता चलेगा लोगों को, जब आपकी कम्युनिटी बनना शुरू करेगी। बट स्टिल अच्छा कैमरा
कैमरा है, पैसा लगाना चाहते हो ले सकते हो, और एक्स्ट्रा पैसा है तो भाई JVE 10 का कैमरा आप यूज कर सकते हो, जो कि फॉर वीडियो रिकॉर्डिंग एंड फॉर स्ट्रीमिंग वन ऑफ द बेस्ट कैमरा में से एक आता है आज के डेट में। जहां तक स्ट्रीम डेक की बात है, ये छोड़ दो यार, कोई जरूरत नहीं है स्टार्टिंग में। भैया जब कैरी मिनाटिक को टक्कर देने लायक वीडियो बनाएंगे तब लेंगे स्ट्रीम डेक, मतलब ज्यादा बोल दिया, एक लेवल तक पहुंच जाओ तब स्ट्रीम डेक एंड ऑल की जरूरत है, अभी कोई जरूरत नहीं है। बट इसके पहले की स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर या गेम्स पर हम आए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जान लो जो कि बहुत जरूरी है कोई भी स्ट्रीमर या किसी भी फील्ड में आप स्ट्रीम करने जा रहे हो तो। स्किल सेट देखो भाई, अब स्किल सेट देखो, जो भी आपके डेट में आज के डेट में ट्रेंडिंग गेम्स खेलना चाहते हो पहले उसमें थोड़ा हाथ तो जमा लो, नहीं तो जनता के सामने अगर ठुस हो गए तो दो मिनट में तो अच्छा नहीं लगता ना दोस्तों। सो नॉर्मली जैसे मैं CS2 अच्छा खेलता हूँ, Dota 2 अच्छा खेलता हूँ, लेकिन ये आज के डेट में स्ट्रीमिंग में उतना ट्रेंड ही नहीं है इन गेम्स का। उसका अपना अलग फैन बेस है, जो कि कॉम्पिटिशन गेम्स चल रहे होते हैं उसको देख रहे होते हैं, मुझको कोई क्यों देखेगा। लेकिन कुछ गेम्स जो ट्रेंड में है लाइक वारजोन, वैलोरेंट, माइनक्राफ्ट, एल्डर रिंग, ये सब में अभी स्ट्रीमिंग करूंगा तो लोग गाली देंगे मेरे, पहले थोड़ा हाथ बैठा लूं, शॉर्ट कीज, कीवर्ड्स, गेम ऑप्शंस एंड फीचर्स समझ लूं, तब तो भाई स्ट्रीमिंग करूंगा। तो एक ऑनलाइन टीम भी अगर हो सकेगा बना लूंगा, दोस्त अगर अपने खुद के दोस्त हैं तो ऑनलाइन टीम लोगों के साथ कनेक्ट कर लूंगा, तो मेरे को प्रैक्टिस करने में थोड़ी आसानी पड़ेगी और जल्दी प्रैक्टिस हो जाएगा, एंड देन स्ट्रीमिंग का सोचूंगा। अभी एक मैंने पोस्ट डाला था ना कि आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट अ गेमिंग, बट मैं गेमिंग में अच्छा हूं, बट इन ट्रेंडिंग गेम्स को पहले सीखना पड़ेगा, एंड अपना एक यूनिक स्टाइल डेवलप कर लो जो कि लोगों से थोड़ा अलग हो। डोंट कॉपी, उसका कोई यूज नहीं आज के डेट में, या सबका मिक्सर कर लो, सबका कुछ अच्छा उठा लो। बी डिफरेंट एंड रिसर्च अबाउट अदर गेमर्स, व्हाट दे डू एंड दे प्ले एंड व्हाट पीपल आर एक्चुअली वॉचिंग टुडे, बिकॉज हम आज अगर काउंटर स्ट्राइक या साइबर पंक लेकर बैठ जाएंगे ना तो कोई नहीं देखने वाला, बिकॉज उसका सर्चेबिलिटी ही नहीं है यूट्यूब पर। एंड टाइम के अकॉर्डिंग नए जो ट्रेंड्स हैं उसके साथ जाओ, उसको पकड़ो एंड देन गेम प्लान करो, एंड कंसिस्टेंसी मैटर्स। देखो स्टाइल अपना यूनिक बना लिए तो कोई बात नहीं है, वो तो चलो अच्छी बात है, लेकिन कंसिस्टेंसी मैटर्स। देखो साईफाई, फैक्ट्स, पॉलिटिकल, स्टडी वाले वीडियोस की फ्रीक्वेंसी हफ्ते में एक भी हो, क्वालिटी अच्छा हो तो चल जाता है, लेकिन गेमिंग एक ऐसी फील्ड है ना जिसमें समथिंग डिफरेंट एंड रोज एक वीडियो तो जानी जरूरी है, बिकॉज कॉम्पिटिशन उस लेवल का, चाहे वीडियो चाहे जाए या लाइव सेशन जाए, ये आपको करना पड़ेगा। ऑलवेज गिव रीजन टू पीपल व्हाई दे विल वॉच योर गेमिंग, व्हाट इज डिफरेंट यू आर डूइंग, कुछ मोड्स ले लो, कुछ नए माइलस्टोन सेलेक्ट कर लो एंड हाईलाइट दैट इन योर वीडियो, एंड थंबनेल उसके अकॉर्डिंग कैची बनाओ कि भाई उस माइलस्टोन के लिए लोग आपकी वीडियो को क्लिक कर रहे हैं, नहीं तो भाई ऐसे 500 थंबनेल है कोई कोई आपका वीडियो क्यों क्लिक करेगा। करेक्ट, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं, आपको OBS सेटअप, स्ट्रीमिंग सेटअप सॉफ्टवेयर कैसे यूटिलाइज करना है। अब जहां तक के स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर की बात है, बहुत सिंपल स्टेप है, कुछ खास नहीं करना होता है आपको, नॉर्मली OBS पर जाना है, अपना सिनेरियो क्रिएट करना है, सीन क्रिएट करना है, मैं स्टेप्स आपको जो दिखा रहा हूं ये आप करो और आप आराम से एक नॉर्मल स्ट्रीमिंग कर सकते हो, गेम स्ट्रीमिंग कर सकते हो, अपना विंडो स्क्रीनिंग कर सकते हो, सब कर सकते हो, लोग कर रहे हैं, बट वो एक जेनरिक वे ऑफ डूइंग अ स्ट्रीम है जो कि मैं भी यूज करता हूं। बट बीइंग अ गेमर आपको थोड़ा इसको इनहेंस करना पड़ेगा, थोड़ा सा बेटर फील लाना पड़ेगा, सो दैट जो सामने वाला देख भी रहा है ना उसको वो थोड़ा सा काइंड ऑफ कैची लगे, एक नॉर्मल सा स्क्रीन ना देखने को मिले। इस पर अगर आप डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो कि OBS को बेस्ट ऑफ द मोड्स के साथ कैसे डिजाइन करें तो जरूर लाएंगे, बिकॉज हमारे गोविंद भाई स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर को अपडेट करने में काफी एक्सपर्टीज हासिल कर रखे हैं, मुझे भी सिखाते हैं तो हम आपको भी सिखा देंगे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है भाई, गेम कहां से डाउनलोड करें। भाई देखो स्ट्रीम करना है ना तो गेम शुड सपोर्ट ऑल द फीचर्स, ऑनलाइन कनेक्ट करना होगा, आप सब लोगों के साथ खेलना होगा, तो यू कांट गो विद दोस पायरेटेड गेम्स, करेक्ट, यू विल हैव टू डाउनलोड द ओरिजिनल वर्जन, सो डाउनलोड इट फ्रॉम स्टीम और एपिक। वैसे मैक्स ऑफ द गेम्स स्टीम पर ही मिल जाते हैं, एग्जांपल वारजोन में फ्री में डाउनलोड आप कर सकते हो, टैंक वॉर्स, काउंटर स्ट्राइक, पबजी, बैटल ग्राउंड, वैलोरेंट तो डायरेक्टली आपको वेब से ही मिल जाता है, ये सारे गेम्स फ्री, लेकिन कुछ AAA टाइटल्स, कुछ नहीं मैक्सिमम AAA टाइटल्स लाइक RDR2, एलन वेक, स्पाइडरमैन, ये सब चार्जेबल गेम्स हैं, जरूरत है तो करो, अदरवाइज इनको कोई नहीं देखने वाला until unless वो ट्रेंड ना कर रहे हो, सो इनको देखो जो ट्रेंड में है उसको परचेस करो, लाइक एल्डन रिंग, चेन मैन अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, 250 रुपए का गेम है, जिसका ज्यादा बजट नहीं आप उसके साथ प्लान कर सकते हो, या एग्जैक्टली स्टार्ट इससे कर सकते हो इसके पहले कि आप एल्डन रिंग जैसे गेम के साथ जाओ। गेम के रेट से डिपेंड नहीं करता है, गेम के ट्रेंड से डिपेंड करता है कि लोग क्या वॉच करेंगे। और साथ ही अभी स्टीम पर 11 जुलाई तक समर सेल चल रहा है जिसमें आपको सारे गेम्स बहुत डिस्काउंटेड रेट पर देखने को मिल रहे हैं, GTA 5 आधे से भी आधे प्राइस पर हो गया, सिमिलरली RDR2 कुछ भी खरीदोगे तो आपको काफी डिस्काउंट मिल रहा है, तो दिस इज द टाइम यू कैन गो विद स्टीम एंड डाउनलोड फ्यू ऑफ द गेम्स इन द वेरी लेस प्राइस। ये कोई प्रमोशन नहीं है स्टीम का, तो मैं डाउनलोड करते रहता हूं इसलिए आपको बताया। साथ ही इतने गेम्स डाउनलोड कहां करें, उसके लिए थोड़ा पैसा खर्चा करो, यानी एक SSD ले लो जिसका रीड राइट भी अच्छा हो एंड सारे गेम्स उसमें ही डाउनलोड करके रखो, क्योंकि मैं सारे गेम्स उसी से स्ट्रीम करता हूं, उसी से खेलता हूं, एंड मस्त स्ट्रीमिंग करो, कोई टेंशन नहीं, उसका भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जो मैं यूज कर
करता हूँ। रेस्ट ऐसे मार्केट में बहुत भी है, मैं सैमसंग वाला यूज करता हूँ, मैं 2 साल से यूज कर रहा हूँ, अभी तक उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। सो मेरे सारे दोस्त एंड सब्सक्राइबर्स या जो पहली बार देख रहे हैं मेरे वीडियो को, वो एक चीज जान ले कि भाई गेमिंग या स्ट्रीमिंग में स्पेशली स्ट्रीमिंग स्टार्ट करना है तो कभी दिमाग में ये आना लगाएं कि भाई आपको 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए का पीसी ही पहले जाकर बिल्ड करना है या इतना पैसा लगाना पड़ेगा। सीरियसली बता रहा हूं दोस्तों, जो मैंने आपको ऊपर स्पेक्स बताया, उस स्पेक्स का पीसी अगर आप बनाने जाओगे तो 50-60 हजार में आपको पीसी बन जाएगा। लैपटॉप भी लेना चाहोगे तो भाई 55-60 हजार रुपए में आज के डेट में अच्छे लैपटॉप मिल जा रहे हैं उस रेंज के, और अगर थोड़ा सा बजट बढ़ाओगे भी तो भी आपको 65-70 के अराउंड आराम से लैपटॉप मिल जाएगा। और जो एक्सेसरीज मैंने बताया वो सारा अगर आप एडअप भी करते हो तो 70 हजार रुपए के अंदर, और थोड़ा सा बजट अगर टाइट है तो 60,000 रुपीज के अंदर भी आप आराम से स्ट्रीमिंग गेमिंग सेटअप बना सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। एंड यार अगर OBS सॉफ्टवेयर का बेस्ट मोड्स हाउ टू सेटअप करना जैसे मैंने बताया तो कमेंट करके बताओ। बेस्ड ऑन मैक्स ऑफ द कमेंट आई विल प्लान फॉर दैट वीडियो। सीरियसली दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड प्लीज बेल आइकन नहीं दबाए तो दबा लीजिएगा, बिकॉज मेरे अगले वीडियो का अपडेट्स आपको तभी मिलने वाला है।